Assalamu alaikum viewers, this is Umair Khan in front of you from BN English Center once again with a new topic viewers. Today our topic is telling about the age. Viewers, aaj hum baat karenge age ke bare mein, ki age hum kaise batate hain, apni umar ke bare mein kaise batate hain, ya agar hame kisi se poochne ki zarurat ho to hum age English mein kaise poochenge viewers. To aaj ye hamara topic hai viewers, hum एज के हवाले से बात करेंगे. मुख्तलिफ क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं एज के लिए, किस तरह के सवालात हम पूछ सकते हैं और उनके क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे व्यूअर्स. आप में से जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है व्यूअर्स, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन पर जाकर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा व्यूअर्स. हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ व्यूअर्स. How to tell and ask about age? उम्र के बारे में कैसे आप मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए से पूछ सकते हैं और कैसे जवाब दे सकते हैं. व्यूअर्स, अपने असल टॉपिक पर आने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी जनरल नॉलेज शेयर करूँगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको सुनने में और जानने में बहुत मज़ा आएगा व्यूअर्स. तो हम चलते हैं कुछ जनरल नॉलेज की तरफ. व्यूअर्स, जब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ होता उसको हम क्या कहते हैं, जब वो माँ के पेट में मौजूद होता है, फिटस, बिफोर बर्थ फिटस कहलाएगा. जब वो पैदा हो जाता है, न्यू बॉर्न और न्यू बॉर्न बेबी, एक महीने तक वो न्यू बॉर्न बेबी कहलाएगा. इन्फेंट, जब एक महीने से लेकर एक साल तक की उम्र होती है बच्चे की तो वो इन्फेंट कहलाता है. टोडलर, जब एक साल से दो साल की उम्र के दरमियान बच्चा टोडलर कहलाता है. प्री स्कूलर, दो साल से पाँच साल की उम्र का बच्चा प्री स्कूलर कहलाता है इंग्लिश में. व्यूअर्स, स्कूल एज्ड, बच्चा जब 6 साल से 12 साल की उम्र में होता है तो वो स्कूल एज्ड कहलाता है. एंड देन टीनेजर, जैसे ही बच्चे की उम्र 13 साल होती है तो 13 से 19 तक की उम्र के बच्चों को या लड़कों को टीनेजर कहा जाता है. व्यूअर्स, इससे पहले हम एक वीडियो में इस पर थोड़ी सी बात कर भी चुके हैं. अगर आप मज़ीद तफसील से जानना चाहते हैं तो आपने सेंटेंस वाले टॉपिक पर हमने बात की थी, तो वहाँ जाकर, बल्कि टू बी एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, टू बी के स्ट्रक्चर वाले टॉपिक्स पर जाके आप मेरी वीडियोस में देखिएगा तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी. देन एडल्ट, 20 to 45 ईयर्स के जो लोग होते हैं वो एडल्ट कहलाएंगे व्यूअर्स. और मिडिल एज्ड, जो भी 45 से 55 ईयर्स के लोग हैं वो मिडिल एज्ड. एंड ओल्ड एज और एल्डरली लोगों को हम, जो प्लस 55 होते हैं उनको हम एल्डरली या ओल्ड एज या सीनियर भी कह सकते हैं व्यूअर्स. ये कुछ जनरल नॉलेज थी, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा. हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, हाउ टू टेल एंड आस्क एज. व्यूअर्स, कैसे आप मुख्तलिफ सवालों की मदद से उम्र पूछ सकते हैं. नंबर वन, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है. नंबर टू, व्हाट्स योर एज. नंबर थ्री, कैन आई, यहाँ पर एक वर्ड का मैं इजाफा करूँगा जो मैं लिखना भूल गया हूँ, आई. कैन आई ask your age please, can I ask your age please, क्या मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूँ. may I know your age please, क्या मैं आपकी उम्र जान सकता हूँ. व्यूअर्स, तमाम सवालात आप अपनी डेली स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पोलाइट वे हैं तमाम क्वेश्चंस में. जो आम तौर पर इस्तेमाल होता है वो हाउ ओल्ड आर यू या व्हाट्स योर एज. ये दो क्वेश्चंस भी बहुत पोलाइट वे है तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि डिफरेंस हो, थोड़ा सा आपकी स्पीकिंग में चेंज भी आना चाहिए व्यूअर्स. अब इन सवालों के जवाब हम किस तरह से दे सकते हैं व्यूअर्स, आंसर्स को देखते हैं. नंबर वन, किसी ने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, आपका आंसर आ सकता है आई एम 30 और आई एम 30 ईयर्स ओल्ड. इसमें ब्रैकेट इसलिए मैंने दिए कि इसको चाहे तो इस्तेमाल कर लें, चाहे तो इस्तेमाल ना करें, इट्स अप टू यू. आई एम 30 और आई एम 30 ईयर्स ओल्ड. एंड देन आई एम अ टीनेजर, अगर आपकी उम्र 13 से लेकर 19 के दरमियान है तो आप कह सकते हैं आई एम अ टीनेजर. आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, मैंने टू बी वाले स्ट्रक्चर की जो फर्स्ट वीडियो थी लेक्चर वन उसमें इस पर डिटेल से बात की है मैंने. आप वहाँ जाकर ज़रूर टू बी वाले स्ट्रक्चर, टू बी वाले टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा. तो आई एम अ टीनेजर. देन आई एम इन माई 20s, आई एम इन माई 20s, इस पर भी मैंने टू बी वाले लेक्चर में तफसील से बात की है. टू बी के वीडियो के फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखिएगा व्यूअर्स, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं.
तो इस पर आप तफसील से उसमें जान सकते हैं। 20s मतलब 20 से लेकर 29 तक के जो लोग होते हैं वो 20s कहलाते हैं। तो उसके दरमियान जो भी उम्र होगी आपकी, आप कह सकते हैं आई एम इन माय 20s। व्यूअर्स, ये तो बात हुई इन क्वेश्चंस के आंसर्स की, लेकिन कुछ और भी हमारे पास ऐसे आंसर्स हमें देने पड़ते हैं जो कि हम अपनी ज़बानों में दे देते हैं, लेकिन इंग्लिश में उन सेंटेंसेस को बोलना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो आज हम वो भी सीखने जा रहे हैं व्यूअर्स, आपको जानकर बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। नंबर वन, माई ब्रदर हैज़ टू सन्स एज्ड 8 and 12। मेरे भाई के दो बेटे हैं, उनकी उम्र 8 साल और 12 साल है। व्यूअर्स, एज्ड का वर्ड आएगा। देन नंबर टू, माई फ्रेंड हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। यहाँ हमने दो सन्स की बात की, यहाँ अ सन एंड अ डॉटर, एक बेटा और एक बेटी। तो ऐसी सूरत में हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। माई फ्रेंड हैज़ अ सन एंड अ डॉटर एज्ड 3 and 7। लेकिन उसके बाद एक वर्ड यूज होगा, याद रखना है, रिस्पेक्टिवली। यानी रिस्पेक्टिवली ये जाहिर करता है कि ये नंबर फर्स्ट जो है इसका ताल्लुक सन की उम्र को शो करता है, और 7 जो है वो शो करता है डॉटर की एज को। तो माई फ्रेंड हैज अ सन एंड अ डॉटर एज्ड 3 and 7 रिस्पेक्टिवली। देन वासिफ हैज अ 5-year-old चाइल्ड। व्यूअर्स, यहाँ तवज्जो देना है आपने, यहाँ हमने एस का इजाफा नहीं किया है, तो आपने भी नहीं करना है। माई वासिफ हैज अ 5-year-old चाइल्ड, तो इसमें एस नहीं लगेगा व्यूअर्स। 5 है लेकिन एस नहीं लगेगा, क्योंकि अ का वर्ड है अ 5-year-old चाइल्ड। मोस्ट प्लेयर्स इन माई टीम आर अबव और बिलो द एज ऑफ 20। मेरी टीम में अक्सर खिलाड़ी जिनकी उम्र 20 से ज़्यादा, बिलो आप ना इस्तेमाल करें, सिर्फ एक ही वर्ड दोनों में से किसी जुमले में आएगा, या तो अबव इस्तेमाल करेंगे या बिलो। अगर प्लेयर्स की उम्र 20 साल से ज़्यादा है, अक्सर प्लेयर्स की उम्र 20 साल से ज़्यादा है, तो आप कहेंगे मोस्ट प्लेयर्स इन माई टीम आर अबव द एज ऑफ 20। लेकिन अगर टीम में अक्सर खिलाड़ियों की उम्र 20 से कम है, तो आप कहेंगे मोस्ट प्लेयर्स इन माई टीम आर बिलो द एज ऑफ 20। अबव का मतलब 20 से ज़्यादा, बिलो का मतलब कम। देन समी इज नियरली और ऑलमोस्ट 30। अगर आप कहते हैं कि समी की उम्र तकरीबन 30 साल है, तो इसके लिए ये वर्ड आएगा नियरली या ऑलमोस्ट, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करेंगे। समी इज नियरली 30, समी इज ऑलमोस्ट 30, तकरीबन 30 साल उम्र है। एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस, जॉन इज अबव 25। जॉन की उम्र 20 साल से ज्यादा है। जॉन इज अबाउट 25। जॉन की उम्र तकरीबन 25 साल है। जॉन इज अराउंड 25। जॉन 25 के आसपास है, या तो 24 या 25 कुछ महीने होंगे, या 25 से कुछ महीने कम उम्र होगी। तो ऐसी सूरत में जॉन इज अराउंड 25। अगर आप गैस करते हैं, किसी की उम्र आपको एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन आप गैस कर रहे होते हैं, तो इस सूरत में आपने ये वर्ड यूज कर रहे होंगे, अबाउट और अराउंड और ऑलमोस्ट और नियरली, ये वर्ड्स आएंगे। नाउ व्यूअर्स, द लास्ट वन, सेकंड लास्ट, शी जस्ट टर्न्ड 6। ये शी जस्ट टर्न्ड 6, वो अभी अभी 6 साल की हुई है, यानी अभी अभी उसकी उम्र जो है वो 6 साल हुई है। तो शी जस्ट टर्न्ड 6। एंड देन आई एम नॉट एज यंग एज आई यूज टू बी। ये एक आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर, एक idiom के तौर पर ये सेंटेंस यूज़ होता है, बहुत अच्छा सा सेंटेंस है। आई एम नॉट एज यंग एज आई यूज़ टू बी, मैं इतना जवान अब नहीं हूँ जितना कि मैं पहले हुआ करता था। सो आई एम नॉट एज यंग एज आई यूज़ टू बी। व्यूअर्स, ये हुई हमारे आज के टॉपिक की बात। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा, और जो हमने जनरल नॉलेज को शेयर किया है वो भी आपने इन्जॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपसे एक नए टॉपिक के साथ आइंदा वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। सो टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।